हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फोर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है एक वीडियो यहाँ पर आ चुकी है शेयर ने मचाई गदर मतलब आज आज के दिन ही लगभग चौदह परसेंट शेयर भागता हुआ नजर आया है क्यों भागा है उसके पीछे का रीजन क्या है क्या प्रॉफिट बुक करनी चाहिए या खरीदना चाहिए उससे रिलेटेड यहाँ पर बातें की गई है एज एज वेल चार्ट पैटर्न से रिलेटेड बातें की गई है और यहाँ पर अगर बात करें तो शेयर काफी बेहतरीन है हमने पर पर आपको आपको के लेवल से यहां पर आपको बताते हुए नजर आया वीडियो में दिखाया भी आपको किस तरीके से यहाँ पर सत्ताईस से सैतीस शेयर होता हुआ नजर आया है और विद इन अ फोर मंथ तो इससे रिलेटेड और भी हम बातें करते हैं <coughs> जानते हैं आज के वीडियो के बारे में आज की वीडियो कौन सी है आज के वीडियो छह ऐसे स्टॉक्स ऐसे केमिकल स्टॉक्स से पोर्टफोलियो में रखते हैं तो उनमें तो पैसा रखते रहेंगे तो पैसा बनता as well as अगर आप उसे आपका दोनों तरफ से यहाँ पर आप कोशिश करिए स्विंग ट्रेड करना है स्विंग ट्रेड लॉन्ग टर्म रखना है लॉन्ग टर्म तो दोनों के लिए बैठ है यहाँ पर अच्छे खासे पैसे फ्यूचर में बनते हुए नजर आएंगे अगर लॉन्ग टर्म खेलना है और शॉर्ट टर्म भी खेलना है तीन से छह महीने तो भी पैसे बीस से ज्यादा यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे कौन से ऐसे छह शेयर है उससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं बट बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करना है नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है अगर आप हमसे यहाँ पर आप पोर्ट यहाँ पर पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं फाइनेंशियल सर्विस लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमें कॉल सकते हैं यहाँ पर आपको कॉल आ जाएगी या फिर आप यहाँ पर हमें व्हाट्सअप पे भी बात कर सकते हैं तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं उन छे स्टॉक से रिलेटेड बातें करते हैं तो सबसे पहले उन स्टॉक्स में नाम आता है किसका बालाजी अमाइंस बालाजी अमाइंस की बात करूं तो बालाजी अमाइंस यहां पर काफी बेहतरीन है ये आज के दिन मैंने यहां पर नीचे ऑर्डर भी लगाया था लगभग तीस तो रुपए से यहां पर ऑर्डर मेरा रह गया बट यहां पर एक बेहतरीन सपोर्ट लेके शेयर यहाँ पर ऊपर की तरफ भागता हुआ नजर आया और अच्छा खासा यहाँ पर हमारे पोर्टफोलियो में पहले भी है यहाँ पर जो यहाँ पर लोग अटके हुए हैं उससे रिलेटेड भी हम बातें करेंगे सबसे पहले कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर देखते हैं बालाजी अगर अमाइंस की मैं बात करूँ तो बालाजी अमाइंस गिरने का मतलब क्या था

अभी बात करूं इससे पहले यहाँ पर 76 सिक्स परसेंट सेवेंटी परसेंट तक यहाँ पर डाउन था यह शेयर और अभी हम बात करें तो सिक्सटी सेवन परसेंट तक की यहाँ पर गिरावट यहाँ पर अभी भी है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी यह शेयर आपको चार हजार रुपए का लेवल दिखाता हुआ नजर आएगा बहुत बेहतरीन आर एस आई है थर्टी की आर एस आई पे शेयर चल रहा है यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपको यहाँ पर रियल पैसा रियल मनी यहाँ पर बनानी है तो इससे बेहतरीन शेयर मुझे यहाँ पर नजर नहीं आता क्योंकि आपको टू हंड्रेड डीएमएस यहाँ पर सपोर्ट लेके यहाँ पर घूमता हुआ नजर आ रहा है तो इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिए इसके अलावा दूसरा शेयर की अगर मैं बात बताऊं तो इन्हीं इन्हीं से शेयर्स में आपके पैसे बनते हुए नजर आएंगे याद रखिएगा इन्हीं स्टॉक्स में पैसे बनते हुए नजर आएंगे आज के दिन ये पर एक परसेंट के लगभग भागता हुआ दिखाई दिया जिसका नाम है एलकाइलाइंस इसके भी देखें तो टू हंड्रेड से यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है ये ओके okay, और यही इसका एक बेहतरीन सपोर्ट भी है एलका एलाइंस की मैं आपको बात बताऊं तो एलका एलामायंस यहाँ पर काफी बेहतरीन यहाँ पर नजर आता है इससे रिलेटेड भी बात करें तो देखिए यहाँ पर हाईएस्ट लाइव सेल्स थी सेल्स तो यहाँ पर इसकी थोड़ी सी कम आती हुई नजर आई थी बट यहाँ पर इसकी एक्सपेंस देखते तो एक्सपेंस यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आते हैं सेम जैसे बालाजी अमाइंस के हुए थे नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसका क्वार्टरली ईयरली बेस पर परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा डल था बट इसे मार्केट जब बालाजी अमाइंस भागेगा तो ऑब्वियसली बात है ये शेयर भी भागता हुआ नजर आएगा तो दोनों शेयर की तरफ आपको नजरें बनानी है थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर प्रोमोटर्स ने बात करूं 44 अभी भी ये यहाँ पर डाउन नजर आ रहा है ओके तो पर पर okay, बट फिर भी यहाँ पर अच्छा खासा डाउन है शेयर तो यहाँ पर अच्छी खासी रणनीति यही है यहाँ पर देखिए राउंडिंग बॉटम बना के थोड़ा बहुत टाइम में ये शेयर तीन से छह महीने के अंदर अंदर गोली होता हुआ नजर आएगा और अच्छा खासा है यहाँ पर पैसा आपका बनता हुआ नजर आएगा थर्टी थ्री हंड्रेड पर चल रहा है लगभग यहाँ पर भी चार, 4, तक की ये यह शेयर पर भागता हुआ नजर आएगा पहला टारगेट हमारा यही है जो यहाँ पर 4, के आसपास का है 4, यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग करने की यहाँ पर एक बार सोच सकते हैं इसके अलावा बात करते हैं एक और पर्टिकुलर शेयर की स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से ये बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म का है तो लॉन्ग टर्म तो इस शेयर को रखिए जितने लॉन्ग टर्म रखेंगे ये पैसे यहाँ पर बनाते हुए नजर आएंगे इसके अलावा दूसरा शेयर की अगर मैं बात करूँ तो उसका नाम है गुजरात एलक्रीज गुजरात एल्कलीस की बात करूं यहाँ पर फिफ्टी डी एम पे आ गया है और यहां पर इस शेयर में तो किसी तरीके की कोई डेंट नहीं था किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं थी 24 परसेंट यहाँ पर शेयर गिर चुका है ओके okay, अच्छा खासा यहाँ पर ये यह सपोर्ट मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इसने एक सपोर्ट ले लिया है ओके okay, थोड़ा सा अगर यहाँ पर और रिट्रेस हुआ तो थोड़ा सा गिर सकता है बट यहाँ पर आपको बाय डिप्स करनी है इस शेयर के रिलेटेड क्यों बता रहा हूँ कि यहाँ पर यह शेयर आपको अच्छा खासा भागता हुआ नजर आ सकता है इसके पीछे का सिंपल सा रीजन है कि आठ सौ रुपए से ये शेयर पर सॉरी तक आ चुका है डेट फ्री कंपनी है मार्केट कैप काफी बेहतरीन है और यहाँ पर ये ही सोडा यहाँ पर ये कंपनी काफी बेहतरीन यहाँ पर कॉस्मेटिक कौ, सोडा एल से रिलेटेड काम कर, करती हुई नजर आती है दस का फेस वैल्यू है शेयर मुझे है, यहाँ पर अच्छा नजर आता है मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इसका बेहतरीन है और यहाँ पर अगर कुछ पॉइंट्स अगर बताऊं तो देखिए इस बार की सेल्स हाईएस्ट एवर सेल्स थी और यहाँ पर अगर बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट था वो भी यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस ईयरली बेसिस पे हाइएस्ट एवर था और जब यहाँ पर सब कुछ अच्छा खासा नजर आ रहा है सब कुछ अच्छे खासे यहाँ पर नंबर आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये शेयर को यहाँ पर गिरना चाहिए था इस शेयर को यहाँ पर फाइन ऑर्गेनिक जैसे यहाँ पर इस शेयर से रिलेटेड हमने बातें करी है ये भागता हुआ नजर आया तो इन शेयरों को भी आप पर भागना चाहिए था बट स्टिल कोई परेशानी नहीं है गिर गया है। अब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कंपनी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है इस चीज को भी ध्यान में दीजिए तो यहाँ पर रिजल्ट काफी अच्छे हैं पर कंपनी की थोड़ी सी है, और एफ आई डी एस की होल्डिंग यहां पर ने बढ़ाई है डीएस ने थोड़ी सी कम करी है यहां पर पब्लिक की होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है और पब्लिक के पास भी ज्यादा शेयर नहीं है इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा तो यहाँ पर गुजरात एल की बात करूँ चौबीस शेयर यहाँ पर डाउन हो चुका है यहाँ से अब ये अपसाइड के ही चांसेस है नीचे आने के मुझे नहीं लगता ज्यादा ये शेयर नीचे आएगा फिर भी अगर नीचे आता है तो जहां

लक्ष्मी ऑर्गेनिक वन ऑफ द गुड स्टॉक है यहां पर कंसोलिडेशन करना शुरू कर दिया नहीं है शेयर ने याद रखिए जब ये यह चीजें यहाँ पर कंसोलिडेशन में के मूड में आ जाती है ना तो याद रखिए ये शेयर फिर भागते हुए नजर आते हैं फोर्टी नाइन परसेंट यहाँ पर डाउन है और यहाँ पर इसके डाउन होने का पीछे का रीजन क्या था इसके रिजल्ट या इसके रिजल्ट में डाउन होने का यहाँ पर ऑलरेडी इनके मैनेजमेंट ने रिजल्ट आने से पहले ही कह दिया था कि यहाँ पर इस बार के रिजल्ट बेकार आएंगे अच्छे नहीं आएंगे क्यों क्योंकि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है वो यहाँ पर जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लड यहाँ पर डूबे हुए हैं बंद हुए पड़े हैं क्लोज हुए पड़े हैं तो यहाँ पर इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग हुई है नहीं नहीं यहाँ पर कुछ सेल आउट होते हुए नजर आया इनका माल इस वजह से इनका जो प्रॉफिट है वो लोएस्ट लेवल पर यहाँ पर पो पहुंचता हुआ नजर आया बट इस बार के जो रिजल्ट आएंगे वो अगर हम बात करें तो ये दिसंबर के रिजल्ट आएंगे तो शायद पैंतालीस करोड़ रुपए से यहाँ पर प्रॉफिट ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा और क्वार्टरली बेस तो यहाँ पर, हाँ पर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए अभी टाइम है इससे इन शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में रखने का रखेंगे अभी पोर्टफोलियो में तो अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा बट अगर यहाँ पर देखें कुछ चीज नेगेटिव पॉइंट भी तो एफ ने पहले यहाँ पर यहाँ पर कम करी हिस्सेदारी फिर यहाँ पर कम करी अभी ना के बराबर है डी ने भी यहाँ पर हिस्सेदारी कम करी है पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास ट्वेंटी की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती है 22 में भी यहाँ पर तीन चार पांच परसेंट की हिस्सेदारी इन लोगों के पास है तो यहाँ पर 17 18 की हिस्सेदारी है थोड़ा सा लंबा यहाँ पर खेलना होगा आपको थोड़ा सा लंबा खेलेंगे तो शेयर फिर दोबारा भागते हुए नजर आएंगे जैसे कि COVID, जैसे कोविड लास्ट ईयर पर चीजें बदलती हुई नजर आई थी यहाँ पर केमिकल शेयर भागते हुए नजर आते हैं दोबारा यहाँ पर इसी तरीके की कुछ ऐसी रैली दोबारा केमिकल सेक्टर में आ सकती है तो इस चीज को याद रखिए क्यों क्योंकि कोविड के केसेस यहाँ पर यूरोप अमेरिका में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और वहां पर इन पर्टिकुलर सेक्टर एज वेल एज

इसी के आसपास हमारा यहाँ पर एक प्राइस भी निकल के आ रहा है 21% के रिटर्न यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ऊपर की तरफ शेयर यहाँ पर मूव करना है नजर आता है कि यहाँ पर से यहाँ पर मूव करता हुआ नजर आएगा ये इसके सपोर्ट लेवल है 10 20 30 रुपए नीचे और आता है तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जो कि मुझे नहीं लगता कि नीचे आएगा क्यों नहीं आएगा और एक डी की न्यूज भी साथ में है इसके कि यहाँ पर इनके जो आरती फार्मा है वो आरती इंडस्ट्री ये अलग होते हुए नजर आएंगे तो अलग होते हुए नजर आएंगे तो आरती फार्मा के आपको शेयर मिलते हुए नजर आएंगे यहाँ पर बात करें हाईएस्ट है इस बार की सेल्स थी हाईएस्ट हाएस्ट पर प्रॉफिट था स्टिल यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दी ओके यहाँ पर बात करें ईयरली बेसिस पे तो कंपनी यहाँ पर माशाला काफी बेहतरीन है इसके अलावा बात करते हैं अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर्स की भी है एफ की होल्डिंग यहाँ पर अच्छी खासी है और यहाँ पर पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास यहाँ पर हिस्सेदारी कम होती हुई नजर आ रही है फाइव से पॉइंट होती हुई नजर आ रही है तो आरती इंडस्ट्री वन ऑफ द गुड स्टॉक है मैं तो इसे अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ और आप भी यहाँ पर कोशिश करिए ऐसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट एक शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे दीपक नाइट्राइट दीपक नाइट्राइट ने अभी मूव देना शुरू नहीं किया है यहाँ पर एक कंसोलिडेशन करना शुरू कर दिया है यही इसका एक काफी बेहतरीन लेवल अट्ठाईस परसेंट तक शेयर यहाँ पर गिर चुका है रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट यहाँ पर अगर हम देखते हैं दीपक नाइट्रेट के तो देखिए कंपनी यहाँ पर लगभग डेट फ्री है कोई भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का डेंट नहीं है उनतालीस उनतालीस परसेंट तक की इसकी आरओ सी आरो है और ऐसे शेयर यहाँ पर लार्ज कैप कंपनी ऐसी में शेयर मिलने मल्टीपैक इसने ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में आपको दिया ही है हाईएस्ट हाईस्टर सेल्स हुई है बट यहाँ पर एक्सपेंस ज्यादा होते हुए दिखाई दिया जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एम ए ट्रेड कॉस्ट इन्हें महंगी पड़ी है सिक्सटी थ्री परसेंट की इस वजह से इनका जो प्रॉफिट है ओके यहाँ पर ईयरली बेसिस पे तो अच्छा है बट क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट है तो यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा इसका ये जितने भी पर गिरावट है वो ऑलरेडी रिट्रेस हो चुकी है तीन हजार से शेयर ईयरली हाँ बेसिस तो ने पब्लिक की बात करें पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आई है और यहाँ पर लगभग पब्लिक के पास भी कितने ट्वेंटी के शेयर है प्रोमोटर्स का अच्छे ऑलरेडी गिर चुका है बट ये शेयर यहां पर गिरने वाला नहीं है यहाँ पर देखिए हमने

ही आपको क्या करना है ट्रेडिंग करते रहिए केमिकल में इन्हीं सिक्स स्टॉक्स में आपको अपने पोर्टफोलियो में रखिए लॉन्ग टर्म के पर्पज से पैसा आपके आ, अपने आप बनता हुआ नजर आएगा तो यहाँ पर जितना हो सके हमें सपोर्ट करिए इस वीडियो को लाइक करिए दूसरी वीडियोस को जाके देखिए लाइक करिए ये शेयर में आज अपर सर्किट लगता है वो नजर आए सपोर्ट करिए हमसे कांटेक्ट करना है तो यहाँ पर ये नंबर है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस